आज मैं बना रही हूँ सोया दम बिरयानी। इसमें मैं सोया चंक और सोया चाप दोनों का ही यूज़ करूँगी, साथ के साथ कुछ सब्जियों का भी यूज़ करूँगी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, हरजीत की रसोई में आपका स्वागत है। तो फिर बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए आज मैं सोया चंक और सोया चाप दोनों का यूज़ कर रही हूँ। तो ये सोया चंक, जिसको कि सोयाबीन की बड़ी भी कहते हैं, ये मैंने लिए हैं 1.5 कप, और साथ में ये मैंने लिए हैं सोया चाप, ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी। ये हैं 5 पीस, ग्राम में हैं 250 ग्राम। तो इसको अभी रख देते हैं, इनका यूज़ हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम ये जो सोया चंक है इसको करेंगे बॉयल। इसको बॉईल करने के लिए गैस पर मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया, इसमें इसको डाल देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। इसको हमने इतना बॉईल करना है कि जिससे ये फूल जाएंगी और गल भी जाएंगी। 4-5 मिनट लग जाएंगे इसको बॉईल होने में। तो वैसे आप चाहे तो इन्हें बिना बॉईल किए ऐसे ही पानी में भिगो कर रख देंगे 10-15 मिनट, तब भी ये फूल जाती हैं। तो जब तक ये बॉईल होती हैं तब तक हम बिरयानी के लिए चावल भी बॉईल कर लेते हैं। चावल पकाने के लिए मैंने एक बर्तन में 5 गिलास पानी ले लिया है। 1.5 गिलास चावल मैं इसमें पकाऊंगी। पानी थोड़ा ज़्यादा ही लेना होता है इसमें। अब इसमें जाएंगे कुछ मोटे मसाले, खड़े मसाले। तो सबसे पहले तो मैं डालूंगी 2 बे लीफ यानी तेज पत्ते। 2 स्टिक में डाल दूंगी दालचीनी की। 1 डाल रही हूँ मैं मोटी इलायची। 5 मैंने ली है लौंग, और 1 चम्मच डाल देंगे हम जीरा। इन सबको डालकर मिक्स करेंगे, और अब इसमें हम नमक भी डालेंगे। नमक इतना डालना है जिससे कि चावल जो है नमकीन हो जाए अच्छी तरह से। तो 1.5 बड़ी वाली चम्मच, टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें पानी भी ज़्यादा है, नमक पूरा होना चाहिए। तो अब इनको मिक्स कर लिया है, तो इसमें जाएंगे अब चावल। ये मैंने 1.5 गिलास चावल को आधा घंटा पहले धोकर भिगो दिया था, तो पानी मैंने निकाल लिया इसमें से एक्स्ट्रा। अब इसमें चावल डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। चावल को हमने पकाना है 80%, 100% कुक नहीं करना है। तो इसको ऐसे ही अभी पकने देते हैं। अब चावल को चेक करते हैं, तो चावल हो गए हैं, इनमें हल्की सी कसर है, तो ये 80% हो गए हैं। तो गैस को कर देंगे बंद, इनको स्ट्रेन कर लेंगे और इसका पानी अलग रख लेंगे, चावल अलग रख लेंगे। इसमें से मैं गर्म मसाले नहीं निकाल रही हूँ। तो अब तक हमारी सोयाबीन चंक भी हो चुकी थी, उनको भी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ कर अलग रख लिया है। ये जो हमने सोया चाप ली है इसको हमने फ्राई करना है। इससे पहले इसमें लगाएंगे थोड़े से मसाले। सबसे पहले तो इस पर लगाएंगे नमक, और लगा लेंगे आमचूर पाउडर, और ये मैंने लिया है देगी मिर्च यानी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। थोड़ा थोड़ा तीनों चीज़ें इस पर डाल देंगे और इस पर अच्छी तरह से रब कर देंगे, क्योंकि अभी ये सोया चाप जो है थोड़ी सी मॉइस्ट है, गीली है, तो इस पर आराम से मसाले लग जाएंगे। तो इसको लगाकर अभी 5 मिनट के लिए रखेंगे, फिर इनको करते हैं फ्राई। अब बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो एक बड़ा बर्तन मैंने ले लिया है, इसमें मैंने डाला है 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल। अब इसमें भी मैं कुछ पहले गरम मसाले डालूंगी। 1 बे लीफ डाल रही हूँ मैं, 1 डाल दूंगी मोटी इलायची, 2 हरी इलायची, और 1 मैंने स्टार फूल लिया है, और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच साबुत काली मिर्च। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। इन सबको हल्का सा बस सौते करना है, और अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 चम्मच। इससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। इसको हल्का सा सौते करना है जिससे कि इसमें कच्चा टेस्ट वगैरह ना रहे। अब डाल देंगे इसमें प्याज। तो ये मैंने 1 बड़े साइज के प्याज को इस तरह से लंबा लंबा काट कर लिया है। इसको डालकर हमने बस थोड़ा सा ही भूनना है, ब्राउन नहीं करना है इसे हमने। अब ये प्याज देखिए थोड़ा पिंक हो गया है, तो इस समय इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सब्जियाँ। तो ये मैंने ली है गाजर। 2 गाजर को मैंने ये देखे इस तरह से थोड़ा थोड़ा पतला लंबा सा काट कर लिया है। साथ में ही मैंने मटर लिए हैं, ये फ्रोजन वाले मटर हैं, तो 1 कटोरी से थोड़े कम हैं। तो आप इसमें सब्जियाँ अपने पसंद से कोई और भी डाल सकते हो, या फिर आप सब्जी नहीं डालना चाहते हो, खाली सोयाबीन से बनाना चाहते हो तो वैसे भी बना सकते हो। अब इनको भी हमने थोड़ा सा पकाना है जब तक कि गाजर हमारी गल नहीं जाती, और मटर तो वैसे ही फ्रोजन है, जल्दी गल जाते हैं। तो अब ये देखें गाजर हमारी गल गई है, तो इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को काट कर लिया है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे।
टमाटर जब तक गलते हैं गैस को लो कर देंगे और तैयार कर लेंगे एक मसालेदार दही। अब बिरयानी के लिए हम एक मसालेदार दही तैयार करेंगे। तो ये मैंने दही ले लिया है, एक कप है, ग्राम में 200 ग्राम के करीब होगा। तो इसमें हम डाल लेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1.5 टीस्पून इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर। तो ये पूरी बिरयानी के हिसाब से हम मसाले डाल रहे हैं। नमक डाल लेंगे 1/2 टीस्पून या फिर अपने स्वाद के अनुसार डालना। वैसे हमने नमक चावल में डाला हुआ है, चावल के हिसाब से तो हो गया है, तो ये सब्जियों के हिसाब से आप डाल लेना। तो 1/2 टीस्पून इसमें गर्म मसाला डाल लेंगे और 2 टीस्पून इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाला आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इन सबको कर लेंगे मिक्स। तो ये देखें, ये हमारा मसालेदार दही तैयार हो गया है। अब ये देखें, टमाटर भी थोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस समय इसमें हम डालेंगे मसाले वाला दही जो हमने बना कर रखा हुआ है, सारा डाल देंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें अलग से कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, ये मसाले वाला दही हमारा बहुत टेस्ट बढ़ा देगा। तो दही डालते वक्त गैस को आपने लो रखना है, जिससे कि दही फटेगी नहीं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम सोया चंक। ये सोया चंक को मैंने बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से निचोड़ कर लिया है। इसको निचोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इसमें जो पानी चला गया है ना, वो निकल जाता है। अगर पानी नहीं निकलेगा तो फिर ये अच्छी तरह से मसालों को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, इसलिए इसे निचोड़ कर फिर डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको भी। अब सारी सब्जियाँ, सोयाबीन और दही सब कुछ मिक्स हो गया है। तो 1 मिनट के लिए अब गैस को तेज कर देंगे और इनको भून लेंगे। तो इनको मैंने देखें 1 मिनट भुना है और ऑयल जो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब ये बिल्कुल मसाला जो है हमारी सब्जियों वाला बिरयानी के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, आधा मसाला एक बर्तन में निकाल लेंगे और आधा इसी में ही रहने देंगे। तो अब गैस को कर देते हैं बंद और इस बर्तन को हम स्लैब पर ले लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं दम बिरयानी, इसमें हमने लेयर्स लगानी है। तो जब सारी तैयारी हो जाएगी तब इसे हम फिर से गैस पर रखेंगे। अब इन सब्जियों के ऊपर हम लगाएंगे चावल की लेयर। तो चावल जितने हमने बनाए हैं आधे इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से आधे चावल लगा देंगे और ऊपर डाल लेंगे हरा धनिया। और अब फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे सब्जियां, जो हमने सब्जियां निकाल कर रखी हुई है ना, वो डाल देंगे, सारी डाल देंगे इस बार हम इसमें। और इसके ऊपर फिर से डाल देंगे चावल, जो चावल बचे हैं सारे इसके ऊपर डालकर अच्छी तरह से फैला देंगे, पूरी एक लेयर लगा देंगे। और इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और साथ में डालेंगे देसी घी। तो 2 चम्मच मैं देसी घी डाल रही हूँ, जिससे ये बिरयानी बहुत ही मॉइस्ट बनेगी, सूखी सूखी सी नहीं रहेगी। बिरयानी को थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ खाने वाले कलर का। थोड़े से खाने वाले कलर को मैंने पानी में घोल कर ले लिया, ये मैंने रेड कलर लिया है और साथ ही थोड़े से येलो कलर को भी घोल कर लिया है। अगर आप आर्टिफिशियल कलर नहीं डालना चाहते हो तो फिर आप थोड़े से केसर को पानी में घोल कर ले सकते हो, उससे येलो कलर आ जाता है अच्छा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चावल का पानी। तो चावल जो हमने बॉईल किए थे तो उसका पानी अलग रख लिया था, तो आधे गिलास से थोड़ा कम पानी डाला है इसमें, क्योंकि चावल जो है वो 80% तक गले हैं, इनको अभी पूरा गलना है, तो थोड़े से इसमें पानी की ज़रूरत होगी। अब इसके ऊपर हम दम लगाने के लिए रख रहे हैं इस तरह का एक फॉइल पेपर। देखिए, फॉइल पेपर को मैंने ले लिया है, इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो हमें इस तरह लगाने से आटा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके ऊपर रख देंगे एक प्लेट, प्लेट रखकर इसके ऊपर हम रखेंगे कोई वेट, भारी सी चीज़ रख देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से दम पर बिरयानी हमारी बन पाएगी। अब बिरयानी की प्लेट के ऊपर मैंने चकला रख दिया है, जिससे अच्छी तरह से दम पर पक पाएगी। तो गैस की फ्लेम को रखना है बिल्कुल लो 10 मिनट के लिए। फिर 10 मिनट के बाद इसके नीचे हम तवा रख देंगे, फिर 10 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो टोटल हमने 20 मिनट इसे हमने लो फ्लेम पर पकाना है। तो इसे मैं दूसरी फ्लेम पर शिफ्ट कर दूंगी और यहाँ मैं करूँगी सोया चाप को फ्राई। सोया चाप को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, तो ऑयल मैंने मीडियम गर्म किया है। इसमें हम सोया चाप डालेंगे, जितनी ईजिली आएंगी उतनी डालेंगे। तो अब ये देखें, ये थोड़ी थोड़ी सी फ्राई हो गई है, 1 मिनट हो गया, तो इसे पलट लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है।
तो ये देखिए बहुत आराम से इजीली ये फ्राई हो जाती है, नीचे चिपकती नहीं है। तो इनको हमने अच्छा कलर आने तक फ्राई करना है। अब ये देखिए इनका कलर अच्छा आ गया है, बिल्कुल रेड सी हो गई है, तो इनको हम निकाल लेंगे। बिरयानी हो गई है तैयार, तो इसे खोल लेते हैं। तो देखिए मैंने फॉइल हटा दी है, फॉइल हटाते ही इतनी खुशबुएँ अच्छी आनी शुरू हो गई हैं। इसमें जो हमने गर्म मसाले डाले हैं बहुत ही खुशबू है इसकी, तो इसको मैं निकाल रही हूँ। देखिए आप बिरयानी का कलर देखें कितनी कलरफुल बनी है और बहुत ही दाना दाना अलग बना है, खिली हुई सी बिरयानी बनी हुई है। ये देखिए देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, बहुत ही टेस्टी बनी हुई बिरयानी है ये। तो इसको थोड़ा सा हिला लेंगे बस, और अब इसके ऊपर हम डालेंगे चाप। जो सोयाबीन चाप हमने फ्राई करके रखी है वो भी गर्म है, तो इसको चाहे तो ऐसे ही आप सर्व कर सकते हो या फिर इस तरह भी कर सकते हो कि इस तरह से बिरयानी में थोड़ी थोड़ी दूर पर इसको इस तरह रख देंगे, जिससे ये भी गर्म रहेंगी और जब सर्व करेंगे तो साथ के साथ चाप को भी सर्व कर लेंगे। सोयाबीन बिरयानी को आप रायते के साथ खाएं, चटनी और अचार के साथ तो और भी टेस्टी लगती है। तो बिरयानी को मैंने सर्व कर लिया है और ये जो सोयाबीन चाप है इसको ऊपर से कट करके इस तरह से डाल देंगे, ये और भी अच्छी लगती है इस तरह से देखने में भी खाने में भी। तो बिरयानी को आप घर पर बनाएं और अपना फीडबैक दें। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।